हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए टेस्टिंग लेकर आया हूं। मेरे पास दो सोलर पैनल है, लूम सोलर और ल्यूमिनस का, और इन दोनों सोलर पैनल की मैं टेस्टिंग लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जून का टाइम भी पास में आने वाला है, तो अभी मई चल रही है और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि दिसंबर से मई में जो सन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, मतलब इसका जो टिल्ट एंगल है कम होता चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मंथली हम चेक करते हैं कि इस समय सोलर पैनल से कितना जनरेशन हो रहा है, और मैंने अपने सोलर पैनल का जो टिल्ट एंगल है वो फिक्स रखा हुआ है लगभग 15 डिग्री के आसपास। तो इस फिक्स एंगल में हम कितना जनरेशन हम देखते हैं मई में, जून में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इस समय यह दोनों सोलर पैनल कौन कौन से अप्लायंसेस डायरेक्ट रन कर सकते हैं सोलर पैनल से, जिसमें कि बैटरी का यूज ना हुआ हो, सिर्फ जितना भी वाटर जो जनरेट हो रहा है सोलर पैनल से उसका यूज जो अप्लायंसेस है उनको रन करने में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताऊंगा कि साथ में आप क्या क्या चीज़ें इस सोलर पैनल से पीक आवर्स में रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम इन दोनों सोलर पैनल की ओवरऑल वोल्टेज ऐड करें तो ओवरऑल वोल्टेज निकल के आएगी 745 वाट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मौसम आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बट टेम्परेचर थोड़ा कम है, यानी थोड़ा सा ठंडा मौसम है, और यहाँ पर टेम्परेचर है अभी 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये है नज़ारे, आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है। और अभी हम फ्रेंड्स चल के देखते हैं कि इन दोनों सोलर पैनल से डायरेक्ट क्या क्या चीज़ें रन कर सकती हैं और अभी क्या टाइमिंग हुई है। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम है अभी 11:35 हुए हैं, यानी 11:35 AM। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय इन सोलर पैनल से क्या क्या चीज़ें रन हो रही हैं डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, यदि आप UTL गामा प्लस सोलर पैनल परचेस करने का सोच रहे हैं तो मेरे और भी वीडियो आप देख लीजिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको किस तरह के सोलर पैनल और किस तरह के सोलर इन्वर्टर परचेस करने चाहिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी हम चलते हैं इन्वर्टर पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय कितने एम्पियर जनरेट हो रहे हैं। अभी 12% लोड है और यहाँ पर देखिए मेंस अभी ऑफ है, तो इसको मैं कम्प्लीटली डिसकनेक्ट कर दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि कहीं मेंस ऑन तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंस भी डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल से लगभग 5 एम्पियर के आसपास एम्पियर जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बैटरी फुल है और वोल्टेज है अभी 41.4। तो यहाँ पर अभी मैं अपने जो सोलर इन्वर्टर है उसको मेन से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए UTL गामा प्लस का जो डिस्प्ले है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने मेन्स डिस्कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर जो अभी करंट आ रहा है वो 4 to 5 एम्पियर का है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 41 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें रन कर सकती हैं, और जैसे जैसे हम इस पर लोड अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे एम्पियर भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक 10 वाट की LED यहाँ पर ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये 75 वाट का एक फैन भी ऑन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा फैन चल रहा है, इसको भी मैं फुल पे करता हूँ, और यहाँ पर एक और LED मैं ऑन करता हूँ 10 वाट की। और यहाँ पर भी एक फैन ऑन है,
और इस समय 3 फैन ऑन है और कुछ एलईडी ऑन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कितना एम्पियर इस समय आ रहे हैं सोलर पैनल से। तो यहाँ पर अभी 12.6 एम्पियर अभी सोलर पैनल से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फैन अभी मैं ऑन करता हूँ, जिससे हमें मैक्सिमम एम्पियर का पता लग जाएगा कि सोलर पैनल से मैक्सिमम कितने एम्पियर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और एलईडी यह ऑन है और यहाँ पर यह मैंने 75 वाट का एक और फैन मैंने ऑन किया है। तो अभी हम देखते हैं कि इस समय कितना एम्पियर सोलर पैनल से आ रहा है इन्वर्टर में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय कौन कौन से अप्लायंसेस कितने अप्लायंसेस रन हैं। और यहाँ पर ये 12 वाट की एलईडी और यह 40 वाट का एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि ऑन है अभी। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर लगभग 18 एम्पियर अभी हो गए हैं, यानी सोलर पैनल से मैक्सिमम यहाँ पर 18 एम्पियर अभी आ रहे हैं और बैटरी भी अभी चार्ज हो रही है साथ ही साथ, और साथ ही साथ बैटरी भी अभी चार्ज हो रही है। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि जो बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर है वो भी रन कर रहा है, और यहाँ पर 32.5 वोल्ट अभी सोलर पैनल से आ रहे हैं, 42% का अभी लोड है। तो यदि फ्रेंड्स यदि हम अब देखिए यहाँ पर 2.3 एम्पियर के आसपास बैटरी भी चार्ज हो रही है इस समय, मतलब इतना सारा लोड भी चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो अभी हम देखते हैं कि सोलर पैनल से मैक्सिमम कितने वाटेज आ रहे हैं। अगर हम 18 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 वोल्ट से, तो ओवरऑल जो वाटेज होगा वो 585 वाट होगा। और इतने वाटेज से अभी क्या क्या चीज़ें रन कर रही हैं, 4 फैन रन कर रहे हैं 75 वाट के, 2 एलईडी रन कर रही हैं 10 वाट की, 1 एलईडी रन कर रही है 12 वाट की, 1 एलईडी रन कर रही है 8.5 वाट की, और 1 एलईडी रन कर रही है 40 वाट की। तो यदि हम ओवरऑल इनकी वाटेज को यदि हम ऐड करेंगे तो टोटल अभी 380.5 वाट का लोड अभी रन कर रहा है इस समय 585 वाट के जनरेशन से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने स्मार्टन के प्राइम प्लस MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर जो लूम सोलर का 530 वाट का वाई फेशियल पैनल है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और स्मार्टन प्राइम प्लस पर आप कौन कौन से पैनल सीरीज या पैरेलल इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। और मई मंथ में लूम सोलर और ल्यूमिनस कितने वाटेज जनरेट करते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, कंप्लीट टेस्टिंग है इसमें। और एक सोलर इन्वर्टर के बारे में बताया है जो कि अर्बन उजाला स्मार्टन सुपर 2.5 kVA का सोलर इन्वर्टर है। और फ्रेंड्स यदि मेरे द्वारा दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।